हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम हमारा 15th लेक्चर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का देख रहे हैं, जो कि बेस्ड है कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल के ऊपर। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसमें कई सारे फॉर्मूलेज भी आएंगे, उनसे बेस छोटे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, तो आपको इनको याद रखना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पिछले लेक्चर्स देख रहे होंगे, नहीं देख रहे हैं तो उनको प्लीज़ देखिए। इसके बाद मेरे दो लेक्चर्स और बचेंगे, देन हमारी सॉइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आज का लेक्चर क्या काफ़ी बड़ा होगा। पहले मैंने सोचा था कंसोलिडेशन को दो वीडियोस में कवर अप करूं, लेकिन अब एक ही वीडियो में मैंने इसको कंपाइल करने की कोशिश की है। आज का जो वीडियो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, इंग्लिश और हिंदी के नोट्स आपको एज यूजल आपके ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेशन। तो हमारा टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। सॉइल भी अदर मटेरियल्स की तरह जब कंप्रेसिव फोर्स को बियर करती है, या यूं कहे जब कंप्रेशन फोर्स सॉइल के ऊपर एक्ट करता है, कंप्रेशन फोर्स एक्ट करे अदर मटेरियल की तरह, तो इसके वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होता है या इसका वॉल्यूम घटता है। तो जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल जिस कारण से उसके वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हो, उसको कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल कहा जाता है। ठीक है, सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। सॉइल के एयर वॉइड्स में से एयर का निकलना, एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर ड्यू टू कंप्रेशन। नंबर टू, एक्सपल्शन ऑफ वाटर ड्यू टू कंप्रेशन, कंप्रेशन के कारण वॉइड्स में से पानी का निकलना। नंबर थ्री, ग्रेजुअल सेटलमेंट ऑफ क्ले पार्टिकल्स, क्ले के पार्टिकल्स का ग्रेजुअल कॉम्पैक्शन, धीरे धीरे होना समय के साथ। ये तीन कारण हैं कंप्रेसिबिलिटी के। तो कंप्रेसिबिलिटी होने के एक प्रमुख कारणों में से एक जो होता है वो होता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी ग्रेजुअल लोड यानी धीरे धीरे लगने वाले लोड या कांस्टेंट लोड के अंडर जब कोई सॉइल पड़ी रहती है, तो समय के साथ साथ उसके वॉइड्स में से पानी का निकलना कंसोलिडेशन को प्रदर्शित करता है। फिर से समझा देता हूँ, कंसोलिडेशन इज द प्रोसेस टू एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर फ्रॉम सॉइल वॉइड्स अंडर कॉन्स्टेंट और ग्रेजुअल लोडिंग। सॉइल के अंदर से पानी का बाहर निकलना किसी ग्रेजुअल लोडिंग के अंडर कंसोलिडेशन कहलाता है। कंसोलिडेशन सिर्फ और सिर्फ क्ले में होता है। कंसोलिडेशन जैसा ही कॉम्पेक्शन होता है, लेकिन कॉम्पेक्शन एक क्विक प्रोसेस है जो सैंड में भी हो सकता है, लेकिन कॉम्पेक्शन क्ले में पॉसिबल नहीं था। क्ले में कंसोलिडेशन होता है क्योंकि क्ले के जो पार्टिकल होते हैं, इन्हें पहले भी बताया था, इंटर पार्टिकुलर बॉन्ड होता है, ये आपस में एक दूसरे से चिपकी रहती हैं, तो इनके अंदर जो पानी भरा रहता है वो आसानी से बाहर नहीं आता। किसी कॉन्स्टेंट लोड के अंडर जब क्ले को रखा जाए तो उसके बॉन्ड के वीक होने के बाद पानी बाहर निकलना शुरू करता है, और इसे कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल कहते हैं। सॉइल का कंसोलिडेशन एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये कई दिन, कई हफ्तों या कई सालों तक भी चल सकता है। ठीक है ना, और कंसोलिडेशन के कारण सॉइल के सेटलमेंट होता है। अब यह हमारे सिविल इंजीनियरिंग में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, मान लो आप कोई घर बनाने जा रहे हैं, उसके नीचे क्ले मौजूद हो और उसमें पानी मौजूद हो, और आप उस समय कंसोलिडेशन नहीं कर पाए क्योंकि कंसोलिडेशन धीरे धीरे होता है, तो एक समय बाद आपके मकान के वेट के कारण इसमें कंसोलिडेशन आएगा और आपका मकान धंसने लग जाएगा। इसी के विपरीत, अगर आपके सॉयल एकदम ड्राई नेचर की हो और क्ले नेचर की हो और आपने मकान बना दिया, रहने लग गए, और कुछ समय बाद उसमें पानी मौजूद हुआ, तो जैसे ही क्ले के अंदर पानी आएगा वो एक्सपल्शन करना शुरू करेगी, अपने वॉल्यूम को बढ़ाएगी और नीचे से ऊपर की तरफ सॉइल के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगी, जो कि सॉइल स्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है ना, तो अभी
पिछली बार हमने जो कॉम्पैक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें ये चीज़ पढ़ी थी कि कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में क्या फ़र्क है। आज फिर से 2 मिनट लेके आपको समझा देता हूँ। कॉम्पैक्शन एक क्विक प्रोसेस है, कंसोलिडेशन एक लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस है। कॉम्पैक्शन सिर्फ सैंडी सॉइल्स में होता है, ये क्ले सॉइल में होता है, ठीक है। उसमें से एयर प्लस वाटर निकल सकती है, कंसोलिडेशन में सिर्फ और सिर्फ सॉइल के वॉइड में से पानी निकलता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो कंसोलिडेशन को पढ़ने से पहले कुछ एक टेक्निकल टर्म्स हमें पढ़ने बहुत ज़रूरी है। कोफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, इसको स्मॉल ए और पैर में वी से यानी ए वी से प्रदर्शित किया जाता है। ये सॉइल में इफेक्टिव स्ट्रेस लगने के कारण वॉइड रेशियो में होने वाली कमी के रेशियो को प्रदर्शित करता है। ये बेसिकली ग्राफ खींचा जाए वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में, तो आप देख सकते हैं जो ये डेल्टा ई और सिग्मा के बीच में जो ग्राफ बन रहा है, तो चेंज इन वॉइड रेशियो ड्यू टू चेंज इन स्ट्रेस को आप कॉफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ए भी कह सकते हैं। अब इसको मैं ई टू माइनस ई वन भी कह सकता हूँ और अपॉन में सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन भी कह सकता हूँ, क्योंकि अलग अलग स्ट्रेस पे अलग अलग वॉइड रेशियो रहेगा। अगर इनको इंटरचेंज करें तो ये नेगेटिव वैल्यू दिखाएगी इसमें होने वाले डिक्रीमेंट को। इसकी यूनिट प्रेशर की एकदम अपोजिट रहती है, प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कोफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट मीटर स्क्वायर प्लस किलो न्यूटन है, ठीक है ना। और इसका एमएलटी रिप्रेजेंटेशन M-1 L-1 T-2 रहता है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तर्जागी के अनुसार कंसोलिडेशन के अंदर ए वी का मान लगभग कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंप्रेशन इंडेक्स, जिसको CC से रिप्रेजेंट करते हैं। यह भी पीछे वाले ग्राफ की तरह है, बस फर्क यहाँ पे ग्राफ लीनियर होता है। तो इस लीनियर ग्राफ में, लीनियर ग्राफ तब बनता है जब कंप्रेशन करने वाले स्ट्रेस को हम लॉगरिथमिक स्केल पर प्लॉट करें। देखिए, लॉग स्केल जब प्लॉट किया जा सकता है जब प्रेशर में या किसी भी क्वांटिटी में जो डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन के अंदर लॉग स्केल प्लॉट किया जा सकता है। तो ऊपर वाली वैल्यूज को जब लॉगरिथमिक स्केल में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक लीनियर ग्राफ आएगा, और इस लीनियर ग्राफ का जो एंगल है थीटा, ये कोफिशियंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स को सॉरी रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वैल्यू E1 माइनस E2 लॉग बेस 10 सिग्मा 1 माइनस लॉग बेस 10 सिग्मा 2 डैश हो सकती है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कंप्रेशन इंडेक्स को, जो कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। अगर आप इनिशियल स्ट्रेस आपका सिग्मा 0 हो, चेंज इन स्ट्रेस डेल्टा सिग्मा हो, तो इसको आप नीचे लिखे गए बॉक्स के रूप में भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा वन से सिग्मा टू के अंदर जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो डेल्टा सिग्मा का ही हो रहा है, जो कि आपके ग्राफ के अंदर भी आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पे जितने भी फॉर्मूलाज आपके ब्लॉक में आएंगे उनको आपको याद करना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में इनसे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। थर्ड आता है प्राइमरी कंसोलिडेशन या कंसोलिडेशन सेटलमेंट। देखिए, कंसोलिडेशन में मैंने बताया सॉइल के अन पोर में से पानी निकल जाता है वॉइड्स में से, जिस कारण जो सॉइल का वॉइड रेशियो घटना शुरू होता है। जैसा कि हमने पढ़ा है कॉम्पैक्शन में, इस सॉइल के वॉइड रेशियो के घटने के कारण सेटलमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम कंसोलिडेशन के कारण होने वाले सेटलमेंट को पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पे एक फुटिंग दिख रही है जिस पे लोड क्यू लग रहा है, और ये कई लेयर्स तक अपने इफेक्ट को सेंड कर रही है, गामा 1 गामा 2 गामा 3 जिनकी डेप्थ H1 H2 H3 है। चौथी लेयर क्ले की है जिसके मिडल, हमेशा कैलकुलेशन मिडल पे की जाती है। और जब पोर वाटर होता है तो इसमें किसी प्रकार का एयर रिप्लेसमेंट नहीं होता है, क्योंकि कंसोलिडेशन में एयर का कोई रोल ही नहीं है। और कंसोलिडेशन सेटलमेंट में हमेशा डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100% रहनी चाहिए। माना किसी टाइम टी बराबर 0 पर जो आपका टोटल प्रेशर था वो पोर वाटर प्रेशर के बराबर था, क्योंकि इनिशियली पानी बाहर नहीं निकल पाता तो आने वाले वजन को पानी झेल लेता है। देन कुछ समय बीतने के बाद जो सॉइल की इफेक्ट, हम जानते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस को सिग्मा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर के डिफरेंस से आता है, और इनिशियली ये 0 होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे समय बढ़ता है
पोर वाटर प्रेशर घटने लगता है और इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने लगता है, ठीक है। और जब फुल कंसोलिडेशन हो जाता है किसी इन्फाइनाइट टाइम पर, तो पोर वाटर प्रेशर जीरो हो जाता है और इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। देखिए, शुरुआत के अंदर जब आपका टाइम जीरो था, तब आपके वॉइड्स के अंदर पानी भरा रहता है और जो भी एक्सटर्नल लोड आ रहा है फुटिंग का, वो पानी द्वारा झेल लिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, समय बीतने के साथ सॉइल के बॉन्ड वीक होने लगते हैं और वॉइड्स में से पानी बाहर आने लगता है। तो सॉइल के वॉइड्स में से पानी बाहर आने के कारण जो फुटिंग का लोड है वो सॉइल पे ट्रांसफर होने लगता है, या यूं कहें पोर वाटर प्रेशर तो कम होने लगता है और सॉइल पे बाहर आने से इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है। और जब कंप्लीट कंसोलिडेशन हो जाता है, तब उस कंडीशन में पोर वाटर प्रेशर आपका कंप्लीटली जीरो हो जाता है और आपके इफेक्टिव स्ट्रेस का मान मैक्सिमम हो जाता है। अगर हम सेटलमेंट को देखना चाहें यहाँ पर, तो सेटलमेंट यहाँ पे क्ले की लेयर में होता है। मानो कि सेटलमेंट चेंज इन लेयर डेल्टा एच हुआ, चेंज इन वर्ड रेशियो अपॉन इनिशियल वर्ड रेशियो के रेस्पेक्ट में अगर इसको लिखें, तो आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप एस पी इक्वल्स टू डेल्टा एच इक्वल्स टू एच इन टू वन डेल्टा ई अपॉन वन प्लस ई नॉट। ये आपको याद ही रखना है, चेंज इन हाइट का रेशियो। और हम जानते हैं इनिशियल वर्ड रेशियो का फॉर्मूला, देखिए इंटर रिलेशनशिप आगे यहाँ पे डब्ल्यू जी अपॉन एस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। इस वैल्यू और कंप्रेशन कोफिशियंट कंप्रेशन इंडेक्स की वैल्यू डेल्टा ई अपॉन लॉग 10 सिग्मा नॉट डैश पर डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा नॉट डैश अभी आपको बताया था। तो इन सारी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो आपको प्राइमरी सेटलमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल जाएगा, जो आपको अच्छे से याद कर लेना है, इसको कभी नहीं भूलना, क्योंकि इससे रिलेटेड कई डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ ले जाते हैं। यहाँ पे इनिशियल प्रेशर हर लेवल के ऊपर जाके आप कैलकुलेट अलग से कर सकते हैं। अगर आप बोसिनेस इक्वेशन के थ्रू कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे के बी यानी बोसिनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर के थ्रू कर सकते हैं। 2:1 मेथड कहते हैं, एक अलग मेथड होता है कैलकुलेशन का, जिसमें फुटिंग की लेंथ और विड्थ और डेप्थ को कंसिडर करके भी आप चेंज इन प्रेशर को निकाल सकते हैं। न्यूमार्क्स मेथड को इस्तेमाल करें तो क्यू इंटू एन इंटू आई एफ की वैल्यू से भी कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ सर्किल्स जो न्यूमार्क चार्ट में हमने पढ़ा था, आई एफ न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तर्जागी और पैक ने कहा था कि कंप्रेशन इंडेक्स है वो पूर्णतया लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल पे और उसकी मोल्डिंग कंडीशन यानी उसके आकार में परिवर्तन पर निर्भर करती है। तो इसके हिसाब से उन्होंने कंप्रेशन इंडेक्स के दो फॉर्मूले और दिए थे, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये आपको याद रखना है। एक अनडिस्टर्ब सॉइल है साइट कंडीशन वाली, एक डिस्टर्ब सॉइल है आपकी रिमोल्डेड सॉइल, जो कि लैब में हम इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बस अनडिस्टर्ब कंडीशन में 0.009 है और डिस्टर्ब कंडीशन में 007 है, बाकी आपका फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ये आपको भी फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, इसको MV से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट भी AV की तरह ही होती है। ये चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस के कारण सॉइल की प्रोफाइल में डेवलप होने वाले स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जैसा कि आप इसकी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये चेंज इन स्ट्रेन टू द चेंज इन ड्यू टू इफेक्टिव स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ये बल्क मॉडुलस का एक रेसिप्रोकल भी होता है। बल्क मॉडुलस क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसका देख लिए एकदम अपोजिट है, स्ट्रेन ऊपर आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और चेंज इन स्ट्रेस नीचे की तरफ आ गया। तो बाकी सारी वैल्यूज को जब हम इसमें पुट करेंगे एम वी की इस तरीके से, तो ए वी की टर्म में भी ये डिकम्पोज हो सकता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को आप एम वी इक्वल्स टू ए वी अपॉन वन प्लस ई नॉट भी लिख सकते हो। और इसके कारण आपको सेटलमेंट निकालना हो तो इसका फॉर्मूला इस बॉक्स में लिख रखा है, कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इनटू हाइट, जो लेयर सॉइल की लेयर की हाइट है, और डेल्टा सिग्मा डैश आपके चेंज इन इफेक्टिव प्रेशर को दर्शा रहा है, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। अब तर्जागी ने एक कंटिन्यूटी इक्वेशन दी थी कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन को समझाने के लिए, जो कि कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम चेंज और कोफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी पर निर्भर करती थी। इसे वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी कहते हैं। इसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे, हालांकि इसका एक डेरिवेशन है,
लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेरिवेशन आपके किसी काम का नहीं है, इसलिए मैंने उसको स्किप किया है, ठीक है ना। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर विद रेस्पेक्ट टू टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। हम जानते ही हैं कंसोलिडेशन के टाइम, कंसोलिडेशन में जो पोर वाटर प्रेशर है समय के साथ साथ कम होता रहता है, तो उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ को समझाने की कोशिश की है। और जो ये टर्म के अपॉन एम वी इंटू गामा डब्ल्यू है, इसी को ही कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन कहते हैं। इसमें आप वहाँ पे के कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी है, एम वी कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी है, इसको आप ए वी की टर्म में भी लिख सकते हैं, और गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर है, सी वी का यूनिट मीटर स्क्वायर प्लस बटे सेकेंड होती है, ये कई बार पूछ ली जाती है। तो आप कंसोलिडेशन का जो फॉर्मूला है या कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन का फॉर्मूला है वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रखा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन इनटू डी टू यू अपॉन डी जेड स्क्वायर। तरजागी ने कहा था कि पोर वाटर प्रेशर में होने वाला चेंज टाइम के ऊपर निर्भर करता है, तो उस टाइम को समझाने के लिए इन्होंने एक टाइम फैक्टर को एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी टाइम फैक्टर दी, जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल टीवी, जो कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, टाइम टेकन इन कंसोलिडेशन एंड डी फॉर ड्रेनेज के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपसे काफी बार पूछे जा सकते हैं। टीवी इक्वल्स टू सी वी टी अपॉन में डी स्क्वायर, ठीक है ना। और ये टाइम फैक्टर होता है टीवी, जो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल यू। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन किसी समय पर होने वाले कंसोलिडेशन को दर्शाती है। अगर किसी समय पर आपकी कंसोलिडेशन की वैल्यू अंडर 60% रहती है, यानी आपका कंसोलिडेशन 60% या उसके अंदर अंदर है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो टीवी का फॉर्मूला पाई बाय 4 यू अपॉन 100 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर यू की वैल्यू 60 या उससे कम जो भी वैल्यू आप सीधी लिख सकते हैं। अगर आपकी कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन ग्रेटर देन 60% हो गया, या आप यूँ कह सकते हैं सॉइल कंसोलिडेशन 60% को एक्सीड कर गया, तो उस कंडीशन के अंदर इसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा, माइनस का 0.9332 लॉग 10 1 माइनस यू अपॉन 100 माइनस 0.0851। यहाँ पर यू कितना कंसोलिडेशन हुआ है 60% से ज़्यादा, उसकी वैल्यू को यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर यू डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को प्रदर्शित करता है, जो कि रेशो होता है सेटलमेंट ऑफ टाइम और प्राइमरी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक रेशो होता है किसी भी टाइम पर होने वाले सेटलमेंट और इनिशियल सेटलमेंट, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर आपका कंसोलिडेशन 50% हुआ, यहाँ पर यू कंसोलिडेशन रेट को ही प्रदर्शित करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपका कंसोलिडेशन 50% ही हुआ हो तो आपके टाइम फैक्टर की वैल्यू 0.196 रहेगी। अगर आपका कंसोलिडेशन 90% हो गया तो आपके टाइम फैक्टर की वैल्यू 0.848 रहेगी, और आपका कंसोलिडेशन 100% हो गया तो आपका टाइम फैक्टर इन्फाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि 100% कंसोलिडेशन होने के टाइम का कुछ पता नहीं होता, वो इन्फाइनाइट टाइम में होता है। और इस फॉर्मूले में जो जितनी भी टेक्निकल टर्म आ रही है उनको समझाने की कोशिश की है। सी वी कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन पीछे हमने देखा ही है, जिसका फॉर्मूला के अपॉन कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। टी होता है टाइम ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन, डी होता है लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, यानी कौन से पाथ से पानी ट्रेवल करके एक स्थान से दूसरे सॉइल से बाहर निकल रहा है। अगर आपकी सॉइल की सिंगल लेयर है, सिंगल ड्रेनेज सिस्टम है, तो यहाँ पे जो ड्रेनेज पाथ है वो सॉइल लेयर की थिकनेस के बराबर होगा। और अगर आपकी सॉइल डबल ड्रेनेज सिस्टम की, यानी उसमें पानी ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन से निकल सकता है, तो उसमें आपका ड्रेनेज पाथ टोटल हाइट ऑफ क्ले के बट्टे 2 के बराबर हो गया, यानी डी एच बाय 2 के बराबर होगा, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ईएस और गेट में तो पूछते ही है, हो सकता है हमारे एग्जाम में भी आ जाए, काफी अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड।
अगर डबल ड्रेनेज सिस्टम हो जाए तो सिंग तो आपका जो टाइम कंजम्पशन है कंसोलिडेशन का, वो सिंगल ड्रेनेज सिस्टम का 1/4 रह जाता है। आप इसे सुन लीजिए, जब आपका डबल ड्रेनेज सिस्टम हो जाए तो कंसोलिडेशन में लगने वाला समय सिंगल ड्रेनेज सिस्टम में लगने वाले समय के 1/4 हो जाता है। ठीक है, कैसे, ये आपकी स्क्रीन पे प्रूफ करते हैं। टीवी का फॉर्मूला सीवी इंटू टी बाई डी स्क्वायर होता है। टाइम निकालना है टीवी इंटू डी स्क्वायर अपॉन सीवी। सिंगल ड्रेनेज है, डी बराबर एच होगा तो इसका फॉर्मूला टीवी इंटू एच स्क्वायर अपॉन सीवी हो जाएगा। डबल ड्रेनेज होगा तो डी बराबर एच बाई टू पुट करेंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर ये इसके टी टू के अंदर डिवाइड बाई 4 एक एडिशनल क्वांटिटी आएगी तो टी टू अपॉन टी वन रहेगी, तो ये आपके 1/4 को या 1/4 रेशियो को प्रदर्शित करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट या अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के अंदर, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन को लैब में कैसे चेक करते हैं, तो कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन को लैब में चेक करने के लिए दो प्रकार के ग्राफिकल मेथड्स हैं। वो ग्राफिकल मेथड एक इंस्ट्रूमेंट बेस्ड होता है, ये इंस्ट्रूमेंट कंसोलिडोमीटर या ओएडोमीटर होता है, इनको नाम को आपको याद रखना है, ओएडोमीटर या कंसोलिडोमीटर। ठीक है, ये दो नाम है, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड और लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग मेथड। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड। इसे एक साइंटिस्ट टेलर ने दिया था। टेलर ने क्या किया, एक साइट से क्ले का सैंपल लिया जिसको कंसोलिडोमीटर या ओएडोमीटर के अंदर डाल दिया और उसके अंदर कंप्रेशन लगाने लगे। जब कंप्रेशन लगने से कंसोलिडेशन होने लगा तो जिस टाइम में कंसोलिडेशन हुआ उसके स्क्वायर रूट ऑफ टाइम यानी अंडर रूट टी को एक्स एक्सिस तथा डायल गेज पे होने वाले सेटलमेंट को वाई एक्सिस पे प्लॉट करके एक ग्राफ खींचा गया। ठीक है, और उस ग्राफ के रिस्पेक्ट में टेलर ने बताया कि ये ग्राफ जब तक खींचा जाएगा जब तक कि कंसोलिडेशन 90% ना हो जाए। बाद में उन्होंने टाइम फैक्टर एनालिसिस की इक्वेशन को इस्तेमाल करके अपनी थ्योरी को जस्टिफाई किया, टोटल सीवी की अमाउंट को कैलकुलेट करना बताया। बेसिकली जितने भी मेथड है ये कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन यानी सीवी को बताने के लिए ही बनाए गए हैं। तो आपके पास टीवी की वैल्यू 90% कंसोलिडेशन के लिए हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। टी 19 फ्रॉम ग्राफ से आ जाएगा, डी ड्रेनेज पाथ है, आपकी स्क्रीन पर लिखा है, आप इसको इससे समझ सकते हैं। लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग मेथड सेम पहले वाले मेथड की तरह है, ये भी ओइडोमीटर से होता है, बस फर्क इतना होता है यहाँ पर जो आप पिछली बार एक्स एक्सिस पे टाइम अंडर रूट में चल रहा था, स्क्वायर रूट में चल रहा था, इस बार वो लॉग में चलेगा। ठीक है ना, और इसे कैसा ग्रेनेड ने दिया था और इसकी वैल्यू 50% कंसोलिडेशन के ऊपर कैलकुलेट की गई। ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है, आपकी स्क्रीन पे इसको आप देख सकते हैं। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैप आता है चैप्टर कि कंसोलिडेशन के कारण सेटलमेंट कितना होता है या फिर हाथों हाथ कंप्रेशन के कारण कितना सेटलमेंट अफोर्ड किया जा सकता है। तो इसकी एक इक्वेशन आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, क्यू इंटू बी वन माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन ई एस इंटू आई एफ। क्यू क्या है, फुटिंग की बेस पर लगने वाला प्रेशर क्यू है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, बी फुटिंग की विड्थ है, म्यू पॉइजन्स रेशियो ऑफ सॉइल है, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल है, शेप ऑफ फुटिंग क्या होती है उस पर भी निर्भर करता है जो कि इन्फ्लुएंस फैक्टर को बता रहा है, और टाइप ऑफ रिजिडिटी ऑफ फुटिंग पे इन्फ्लुएंस फैक्टर रिप्रेजेंट करता है। आई एफ की वैल्यू आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दी जाती है। ठीक है, अब परमिसिबल सेटलमेंट कितना होता है एक सॉइल में, ये वैल्यूज बहुत बार पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखनी है कि ये निर्भर करती है परमिसिबल सेटलमेंट किस तरह की सॉइल पे हो रही है, किस तरह की फुटिंग है, आरसीसी की है, स्टील की है। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग जो वैल्यूज है आपकी स्क्रीन पे एक टेबल बना के मैंने लिखी है, इनको आपको अच्छे से रट लेना है। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। तो अगर आपकी सिंगल या आइसोलेटेड आरसीसी फुटिंग है और सैंड पे है तो उसके अंदर मैक्सिमम सेटलमेंट 50 mm का होना चाहिए, हार्ड क्ले पे है तो 50 mm, प्लास्टिक क्ले यानी सॉफ्ट क्ले पे हो तो 75 mm होना चाहिए। इसी प्रकार से राफ्ट फाउंडेशन है, सैंड के ऊपर मैक्सिमम सेटलमेंट 75 mm, हार्ड क्ले पे 75 mm, प्लास्टिक क्ले पर 100 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको ये याद रख लेना है
कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी आइसोलेटेड फुटिंग के लिए परमिसिबल सेटलमेंट सैंड के लिए कितना है, तो आंसर होता है 50 mm, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन इस पे कई बन सकते हैं, आपको मेमोराइज कर लेना है। अब सॉइल का कंसोलिडेशन के बेस पर कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है। देखिए कंसोलिडेशन जो अभी कर रहे हैं उसको कंसोलिडेशन के बेस पर तीन कैटेगरी में बांटा गया है। ओसीसी ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, जिसको प्री कंसोलिडेटेड क्ले भी कहते हैं, एनसीसी नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले और यूसीसी अंडर कंसोलिडेटेड क्ले। इन तीनों को समझाने के लिए एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो, जो कि पास्ट में लगने वाले प्रेशर और प्रेजेंट में लगने वाले प्रेशर के रेशियो को रिप्रेजेंट करती है। अगर OCR की वैल्यू, ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो वो सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड क्ले कहलाएगी, यानी कि उसमें पास्ट में आज की तुलना में ज्यादा प्रेशर कभी आया हुआ है। अगर OCR की वैल्यू 1 है तो वह नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले कहलाएगी, यानी उस पे पास्ट पे आज इतना प्रेशर नहीं आया। और तीसरा अंडर कंसोलिडेटेड क्ले, उस पे कंसोलिडेशन हुआ ही नहीं, तो उसको यूसीसी कहेंगे। इसी चीज को ये समझा रहा है, अगर क्ले की लेयर आज आने वाले प्रेशर से ज्यादा प्रेशर पर पीछे सब्जेक्ट हुई है, उस पे लगा है, तो वह ऐसी सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड क्ले कहलाएगी। और इसी प्रकार से आज जो प्रेशर लग रहा है उससे पहले सॉइल पे प्रेशर नहीं आया हो क्ले पे, तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड कहलाएगी, और सॉइल पे कंसोलिडेशन हुआ ही नहीं हो तो वो अंडर कंसोलिडेटेड क्ले कहलाएगी, ठीक है ना। सॉइल का ओवर कंसोलिडेशन या प्री कंसोलिडेशन निम्नलिखित कारणों से हो सकता है, कोई हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर बना हुआ हो जिस सॉइल का हम टेस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई आइस के ग्लेशियर्स वहाँ पे जमा हो गए हो तो उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, सैंड ड्यून्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हों, कैपिलरी राइज होता है वाटर टेबल के कम ज़्यादा होने से, तो ये कुछ कारण हैं जो कि समझे सॉइल के कंसोलिडेशन या ओवर कंसोलिडेशन या प्री कंसोलिडेशन को बताते हैं। प्री कंसोलिडेशन को ज्ञात करने के लिए ग्राफिकल मेथड अडॉप्ट किया जाता है, जिससे एक ऐसा ग्रेनेडे ने दिया था, एक ऐसा ग्रेनेडे का नाम आप लोगों ने सुना है जिन्होंने लिक्विड लिमिट का टेस्ट दिया था। इन्होंने क्या किया, ई लॉग पी ग्राफ प्लॉट किया, ये ग्राफ वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस के ऊपर लॉगरिथमिक स्केल पर प्लॉट किया गया। तो ये आपके सामने कर्व दिख रहा है, इस कर्व को प्लॉट करके जहाँ पे इसका मैक्सिमम कर्वेचर पॉइंट है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींची, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक बाइसेक्टर खींचा जो कि एंगल अल्फा बना रहा था। इस बाइसेक्टर से दोनों एंगल हॉरिजॉन्टल और टेंजेंट के बीच में अल्फा बाय 2 और अल्फा बाय 2 में परिवर्तित हो गए। जब जाके ये कर्व की वैल्यू स्ट्रेट हो गई तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो बाइसेक्ट करने वाले जिस पॉइंट पे भिड़ी उस पॉइंट को पी पॉइंट कहेंगे, और इस पी पॉइंट को जब नीचे की तरफ एक्सटेंड किया जाएगा तो यहाँ पे जो आपको प्रेशर मिलेगा सिग्मा, ये प्री कंसोलिडेटेड प्रेशर कहलाएगा। ये सारी कहानी जो मैंने बोली इस थ्योरी के अंदर लिखी हुई है, आप पढ़ के इसको समझ सकते हैं। एक फील्ड मेथड है इंस्टॉलेशन ऑफ सैंड ड्रेन्स। सैंड ड्रेन्स क्या होता है, तरजागी ने एक सजेस्ट किया कि जब भी हम हाईवे बनाते हैं तो उसमें कंसोलिडेशन प्रॉपरली नहीं हुआ हो तो उसमें 1.8 से 4.5 मीटर के अंतराल में 45 सेंटीमीटर डाया वाले 30 मीटर की दूरी पर 1.8 मीटर से 4.5 मीटर हाइट का एक सैंड ड्रेन यानी एक सॉइल की नाली आप बना सकते हैं जिसमें मिट्टी भरी रहती है और उसके ऊपर एक सैंड का कारपेट बिछा जाता है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कंसोलिडेशन ना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। सेकेंडरी कंसोलिडेशन लास्ट टॉपिक है इसका। सेकेंडरी कंसोलिडेशन सॉइल का प्राइमरी कंसोलिडेशन होने के बाद आता है, और इस कंडीशन में पोर वाटर प्रेशर जीरो हो जाता है क्योंकि प्राइमरी कंसोलिडेशन में पानी सारा का सारा बाहर निकल जाता है और आपके इफेक्टिव स्ट्रेस का मान कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। सेकेंडरी कंसोलिडेशन मुख्य रूप से ऑर्गेनिक सॉइल के लिए कैलकुलेट किया जाता है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन स्टैंड फॉर, आंसर है ऑर्गेनिक सॉइल।
इसे क्रीप कंसोलिडेशन भी कहते हैं। क्रीप टाइम डिपेंडेंट फेलर होता है, आप लोगों ने सोम में पढ़ा ही होगा। और इसे साइंटिस्ट लैड ने दिया था और इसकी इक्वेशन आपकी स्क्रीन पर नीचे देख रहे हैं ये होती है। आप याद करें तो भी ठीक है इक्वेशन, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो आपकी ये पूरी कंसोलिडेशन का पूरा चैप्टर था, जितने पैरामीटर्स आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है हमने कवर अप कर लिए हैं। हिंदी के नोट्स आप लोगों को सेंड कर दिए जाएंगे अभी, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा सिर्फ एक चैप्टर बच जाता है, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। उसके बाद मैं एक मिसलेनियस चैप्टर एक वो और कराना चाहता हूँ जो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन उसके क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं, तो हमारे को कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए अब छोटा सा चैप्टर उस पर भी हम बना लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।